आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति। स्वाध्याय से आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति जागृत होती है। सदग्रंथों में उपस्थित आदर्श से जब मनुष्य अपनी तुलना करता है, तभी वो समझ पाता है कि मानवता के मापदंड से अभी वो कितना पीछे है, उसके अंदर कितनी मात्रा में क्या क्या दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं। उन्नतिशील बनने के लिए जिन आवश्यक गुणों की कमी जब अपने में दिखाई पड़ने लगती है, तभी वो उसकी पूर्ति की बात सोचता है। यही उन्नतिशील होने की प्रक्रिया है। जब तक मनुष्य अपनी त्रुटियां न देख पाएगा और उन्हें छोड़कर सत्य प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए तत्पर न होगा, तब तक उसकी वर्तमान हीन अवस्था में कोई परिवर्तन भी संभव न होगा। जिसके मस्तिष्क में प्रगतिशील और प्रकाशवान विचारों का नया जल नहीं पहुंचता, उसका अंत प्रदेश गंदे नाले की तरह अवरुद्ध पड़ा हुआ दिन दिन अधिक दुर्गंधित बनता जाता है। मन की शक्ति विचारों पर ही अवलंबित है। जिसके जितने उच्च कोटि के विचार होंगे, वो उतना ही महान, उतना ही आत्मिक दृष्टि से समुन्नत माना जाएगा। प्रगति तभी होती है जब मनुष्य कुछ भूलता और कुछ सीखता है, कुछ छोड़ता और कुछ ग्रहण करता है। साधारण मनुष्य अपने को निर्दोष मानते हैं और अपनी कठिनाइयों का दोष दूसरों पर मढ़ते रहते हैं, पर जब जीवन तथ्यों का मनन और चिंतन करने पर अपने सुधार और प्रशिक्षण की बात समझ में आती है, तो आधी समस्या हल हो जाती है। आज तक संसार में जिन्होंने किसी भी दिशा में प्रगति की है, उन्हें यही मार्ग अपनाना पड़ा है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1961, पृष्ठ 20।